नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन शो में। आज मैं आपके लिए रस की रसमलाई लेके आई हूँ और आपको बना के दिखाऊंगी। दोस्तों आज मैं रसमलाई दिखाऊंगी आपको बना के, और ये मैंने रस ले रखे हैं, ये दुकान से मंगाए। आज आपको रसमलाई बनाना दिखाऊंगी। और ये मैंने सौंफ ले रखा है, थोड़ा दल रखी है, और हरी इलायची ले रखी है, ये भी दला हुआ है, और ये ड्राई फ्रूट हैं, और एक गिलास दूध ले रखा है मैंने, और मिल्क पाउडर, और चीनी का बूरा, और फ्रूट कलर। दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, अब मैं इसमें थोड़ा बटर डालूंगी। बटर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा मैंने कहा थोड़ा बटर भी उठना चाहिए। अभी मैंने दूध ले रखा, अब मैं दूध को गाढ़ा करूंगी। दोस्तों थोड़ा दूध और डालती हूँ मैं इसमें, एक डालू बस, इसको गाढ़ा करूंगी। ये देखिए दोस्तों, दूध ये हल्का भुटकने लग गया है, कम होने लग गया है। दोस्तों मैं मिल्क पाउडर डालूंगी इसमें, एक कप ले रखा है मैंने। ये देखिए दोस्तों, दूध हमने गाढ़ा करना है, ये टाइम लग ही जाता है इसमें, 20-25 मिनट। फिर हमने घुमाते रहना है, नहीं तो ये किनारे से लग जाता है। ये खूब अच्छी तरह को दूध भुटका लेना, अच्छी खुशबू आने लग जाती है दूध की, जैसे मावा टाइप का बन जाता है। दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डालूंगी, ये कलर बहुत अच्छा आता है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। दोस्तों अब मैं इसमें शुगर पाउडर डालूंगी स्वाद के अनुसार, जितना आपको मीठा पसंद है। बस मैंने 2.5 चम्मच डाला है बड़ी चम्मच से। ये देखिए दोस्तों, दूध भुटकने लग गया, थोड़ा कम हो गया है। अब मैं इसमें सौंफ पाउडर डालूंगी, थोड़ा खुशबू आती है, और इलायची पाउडर, ये इससे और अच्छी खुशबू आने लगती है, खाने में स्वाद भी होता है। ये देखिए दूध अब कम होते रह रहा है। ये देखिए दूध गाढ़ा भी होने लग गया है। दोस्तों ये बन चुका है, ये देखिए इस तरीके से गाढ़ा। अब मैं गैस ऑफ करूंगी। अभी मैंने ये सौंफ रस ले रखे हैं, अब मैं इसमें डुबाऊंगी इनको। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये मैं थोड़ा इनको भिगाऊंगी।
इस तरीके से, और खाने में भी इतने स्वादिष्ट होंगे कि कभी आपने कभी खाए नहीं होंगे। अब मैं इसको बर्तन में, दोस्तों ये तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको थोड़ा ठंडा करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी डेकोरेट करके। कितना अच्छा कलर आ रहा है और अच्छी तरह पक चुकी है ये, और आप भी इसको बनाना और मुझे कमेंट पे बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय।